नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 9 निर्भय बनो, जिनका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश यानी कि भाग। लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेखक परिचय प्राप्त करेंगे। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 में बिहार में, वर्तमान बिहार में पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी में यानी कि आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रथम उपन्यास का नाम है मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे प्रसिद्ध हो गए, विख्यात हो गए। उसके पहले वह एक कहानीकार थे, रिपुतार्ज लेखक के रूप में साहित्य जगत में वह सुपरिचित हो चुके थे। ऐसे हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु जी की रचनाओं में हमें उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। उनकी भाषा में लोक बोलियां के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन भी है। प्रमुख उपन्यास के बारे में देखें, फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख उपन्यास ध्यान रखिए विद्यार्थी मित्रों। तो फणीश्वरनाथ रेणु की मुख्य उपन्यास हैं मेला आंचल, परति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौरा हैं, यह उनकी प्रमुख उपन्यास थे। प्रमुख कहानी संग्रह देखे तो ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया। ऐसे प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु जी ने यहाँ निर्भय बनो उपन्यास अंश उनके यानी कि प्रसिद्ध उपन्यास कितने चौराहे के सातवां प्रकरण से कितने चौराहे नामक उपन्यास में से प्रकरण नंबर 7 में से यह उपन्यास अंश लिया गया है, जिनका नाम है निर्भय बनो। मित्रों, निर्भयता शीर्षक पर ध्यान रखिए, निर्भय बनो। निर्भय का मतलब होता है जिसे किसी का भय नहीं है, जिसे किसी का भय नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है, निर्भय। उन्हें क्या कहा जाता है, निर्भय। जिसे शब्द समूह के लिए एक शब्द भी पूछा जा सकता है,
जिसे किसी का भय नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है? निर्भय। जिसे किसी का भय नहीं है वह निर्भय। दूसरा इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो निर्भीक है वह निर्भय, जिसे डर ना हो उन्हें भी क्या कहा जाता है? निर्भय। तो निर्भय शब्द का अर्थ देखें तो निडर शब्दार्थ के रूप में हम देखें तो निर्भय यानी कि भय रहित। दूसरा अर्थ होता है निडर। निर्भय शब्द का भाववाचक शब्द बनता है निर्भयता। तो ऐसे उपन्यास अंश निर्भय बनो। हम बढ़ेंगे छात्र मित्रों, आप आपकी पुस्तक खोलकर बैठ जाइए और अक्षरशः ध्यान दीजिए। मित्रों जीवन में निर्भयता बहुत बड़ा गुण है, बहुत जरूरी है यह गुण। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी ने भी कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र जो नवयुवक हैं उनमें निर्भयता दिखाई देती है और जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। छात्र मित्रों आज समय जो चल रहा है इसमें हर इंसान को किसी न किसी प्रकार का भय होता है। भय क्यों होता है? क्योंकि कुछ डर कुछ भय अनुभव के अभाव का ही परिणाम होता है, हमें अनुभव नहीं होता। इसीलिए भय वृत्ति का संबंध वास्तविक खतरे से नहीं होता बल्कि परिस्थिति का सामना करने की अकुशलता से होता है। इसलिए भय को दूर करने के लिए व्यक्ति निर्भय कब बन सकता है? तो कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयत्न द्वारा मनुष्य निर्भय बन सकता है। तो देखिए खास तौर पर निर्भय बनो उपन्यास अंश में मुख्यतः पात्र परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। तो पात्र एक मुख्य पात्र हैं प्रियोदा, जिनको प्रियव्रत राय नाम से भी जाना जाता है, मोना मनमोहन के नाम से भी जाना जाता है, रोबी कालू जो मोना के दोस्त हैं, इब्राहिम टीम का सदस्य हैं, और सूर्य नारायण उन्हें सूरज पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों प्रियोदा मैट्रिक में पढ़ता है, स्कूल के सभी छात्र और शिक्षक और कस्बे के लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक छोटा सा दल है और हर रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाता है। यदि उसके स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ जाता तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसकी तब तक सेवा करता जब तक वह रोगी ठीक न हो जाता। प्रियोदा शिष्टाचार को महत्व देता है, इसलिए उसने यह नियम बनाया है कि दल का कोई भी सदस्य अपने मुंह से अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। उसके दल में अन्य सदस्य हैं, इब्राहिम मनमोहन रोबी कालू सूर्यनारायण जिसे सूरज पहलवान के नाम से पहचाना जाता है, ऐसे आदि।
इन दल के लोग शनिवार को स्कूल के छूटने के बाद प्रियुदा की टोली बालूचर पर जमा होती थी। खेलकूद गाने बजाने के बाद प्रियुदा दुनिया भर की खबर उनको सुनाता है। फिर वे रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। यहां मित्रों प्रियुदा समाज को निर्भय बनने का संदेश देता है। तो ध्यान रखिए, देखिए पाठ्यपुस्तक में प्रियुदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। किसको? प्रियुदा को। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर प्रियुदा को प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। सभी लोग प्रियुदा को जानते हैं क्योंकि हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ, इसलिए सभी लोग उन्हें पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं? प्रियुदा को। प्रियुदा का नाम पूरा दूसरा नाम यानी कि प्रियव्रत राय से भी पहचाना जाता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियुदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। देखो, समाज की सेवा करने का लक्ष्य उनका। प्रियुदा अपनी टोली, यहां शब्द एक है टोली, टोली यानी कि दल, मंडली। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियुदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। हाजिर यानी कि उपस्थित, और उपस्थित शब्द का विलोम शब्द बनता है अनुपस्थित। हाजिर शब्द का विलोम शब्द बनता है गैर हाजिर। क्या लगा मित्रों? जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। देखो मित्रों, जब तक रोगी भला चंगा, भला चंगा यानी कि स्वस्थ, भला चंगा यानी कि स्वस्थ, भला चंगा ना हो जाए तब तक उनका दल सेवा में जुटा रहता है यानी कि कार्यरत रहता है, सेवा में लगा रहता है। यहां एक मुहावरा भी है, मुठिया वसूलना। मुठिया वसूलना, लिखिए मुठिया वसूलना मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? तो किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर, अनाज लोगों से मांगना, अनाज लोगों से मांगना मुठिया वसूलना यानी कि किसी अच्छे काम के लिए
मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना। तो मित्रों, खास तौर पर जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। प्रियोदा का दल जब तक रोगी स्वस्थ ना हो जाए तब तक सेवा में रत रहता है। रूबी और कालू प्रियोदा के दल में है, नाम है रूबी और दूसरा कालू। किसके दल में है? प्रियोदा के दल में। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। रूबी कालू इनके साथ मनमोहन को भी प्रियोदा के दल में शामिल कर दिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को परमान, परमान शब्दार्थ है मित्रों, परमान एक नदी का नाम है। परमान एक नदी का नाम। दूसरा शब्द है बालूचर, नदी का रेतीला पट। बालूचर नदी का रेतीला पट, उन्हें क्या कहा जाता है? बालूचर। तो फिर से ध्यान रखिए, हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद प्रियोदा के दल कहाँ जमा होते थे? तो परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाता है। देखो, रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, खेलकूद के बजाय गाना बजाना, और साथ साथ रविवार के दिन हम क्या करेंगे इसका कार्यक्रम प्रोग्राम तय करते हैं, निश्चित करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, ये सारा कार्य प्रियोदा अपने दल को सौंपता है, अलग अलग काम सौंपता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है। मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, बली बांते देखकर। क्या पूछा? ध्यान रखिए पाठ्य पुस्तक पर, भारत वर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। मनमोहन क्या उत्तर देता है? महात्मा गांधी। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर कौन सा प्रश्न पूछा? भारत के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी उत्तर देता है, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। मनमोहन क्या बनना चाहता था? वकील। सभी ठट्ठा कर हंसे, सभी हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मनमोहन उत्तर देता है, सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोग हैजा से पीड़ित हो
हैजा एक रोग का नाम है जिन्हें हम कॉलेरा भी कहते हैं, कॉलेरा के नाम से जाना जाता है। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा। किस नाम से? हैजा। हैजा के नाम से ही मनमोहन घबराने लगा, मन में भय पैदा हुआ। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मौना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, जब अनुभव होगा डर दूर हो जाएगा, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। देखो, प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, क्या कहा? सूरज ये मोना, मोना यानी कि मनमोहन तैरना नहीं जानता। तो सूरज क्या उत्तर देता है? सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता था। देखो, सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका इतना मजबूत है कि रोज 100 दंड बैठक करता है, व्यायाम करता है। उसके साथ ही सूर्य नारायण को किस नाम से बुलाते थे? तो उनके साथ ही सूर्य नारायण को सूरज पहलवान कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरज पहलवान। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। दल के सभी सदस्यों को, दल यानी कि टोली, समूह, मंडली के सभी सदस्यों को तैरना सिखलाना किसका काम था? सूरज का। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले ले जाए, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। कौन सा गीत गाया? राम रहीम न जुदा करो, राम और रहीम को जुदा जुदा यानी कि अलग नहीं करना चाहिए भाई। तो क्या करना चाहिए? हमारे दिल को साफ रखना चाहिए, दिल को सच्चा रखना चाहिए। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। क्या कहते हैं? गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। आज यहां तक रखिए मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।